हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाना है टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ फिनोल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स एंड द एसिडिटी ऑफ फिनोल विद ऑल द पॉसिबल साइंटिफिक रीजंस। केमिस्ट्री को आसान बनाएंगे, उसको समझेंगे, उसकी लॉजिक को समझेंगे, साइंटिफिक रीजंस को समझेंगे, ताकि हमारे लिए समझना भी आसान हो और उसको याद करना भी आसान हो। दूसरी बात कि जितने भी वीडियो लेसन्स मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ वो मैं अपलोड करती हूँ अपने केमिस्ट्री चैनल पर। सो जब भी आपको टाइम मिले और आपका मूड बने कि चलो जी एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं, पढ़ाई शुरू करें, सो यू कैन गो एंड यू जस्ट सर्च देम ऑन द प्लेलिस्ट व्हिच इज़ मेड फॉर ओनली सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेसन्स। सो लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ गॉड। याद दिला दूं आपको कि फिनोल क्या होते हैं। फिनोल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि फिनोल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिन पर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। सो आपके जहन में फ़ौरन एल्कोहल्स आए होंगे। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स भी एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, बट यहाँ पर वो एल्काइल ग्रुप से नहीं अटैच बल्कि वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है। ठीक है, और नई बात क्या है कि फिनोल्स आर ऑल्सो एसिडिक। सो फिनोल जो है ना पूरे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम है, बट द स्टार्टिंग मेंबर इज ऑल्सो गिवन दिस, लाइक इस वन बेंजीन रिंग अटैच टू वन OH ग्रुप इज फिनोल एंड द कॉमन नेम विच इज असाइंड टू दिस इज कार्बोलिक एसिड। अब इसके नाम में एसिड एक आया है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होंगी। तो लेटर ऑन वीडियो के आखिरी हिस्से में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और एक और बड़ी अजीब सी बात कि ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, ये अभी अभी दरियाफ्त नहीं हुआ बल्कि 1834 में इसको कोल तार से एक्सट्रैक्ट किया गया था। कोल तार क्या है? दोबारा आपको याद दिलूं कि हमने कोल के बारे में पढ़ा था ना, विच इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको माइन करते हैं ज़मीन से। तो अब कोल को जब हम हीट करते हैं ना इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें तीन तरह के फ्रैक्शंस मिलते हैं। एक गैसेस होती हैं जिसको हम कोल गैस कहते हैं, और कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनको हम कोल तार कहते हैं, और बाकी जो सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है हीटिंग के बाद उसको हम कोक कहते हैं। सो कोल तार वॉज द लिक्विड डिस्टिलेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। और ये किसने किया था? रंच ने किया था 1834, जब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ओके, द नेक्स्ट इज आज हम ऑल्सो वी विल लर्न दैट हाउ फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। फिनोल्स प्रिपेयर होगा तो आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल एंड व्हाट इज़ द कंडीशन। इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिनोल की प्रेपरेशन के लिए इंडस्ट्रियल मेथड है, दैट इज डोज मेथड। इसको आप डोज मेथड भी कह सकते हैं और डाउज मेथड भी कह सकते हैं। अच्छा, डोज मेथड में आपने क्या देखना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, सो वी हैव स्टार्टिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। वी आर हीटिंग इट एट 360 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर 150 ATM एंड वी आर हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यस, अ वेरी कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, राइट। इस हीटिंग पर जो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो है सोडियम फिनोक्साइड, यानी ये क्लोरीन जो है ये बदल गया है इस ONA से, ठीक है। इस तरह आपने इसको समझना है। सो बना क्या है? सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल से बना फिनोक्साइड, और H और Cl मिलकर HCl बनाता है। फर्दर करते हैं कंटिन्यू हीटिंग को, तो आपका मेन प्रोडक्ट बनता है फिनोल और बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। इस इक्वेशन को रटना नहीं है, आप मैंने आपको जो पॉसिबल तरीके बताए हैं इसको मेमोराइज़ करने के, अंडरस्टैंड के। सो जब भी आप कोई सिंथेसिस याद करते हैं, ख़ास तौर पे कोई इंडस्ट्रियल मेथड याद करते हैं, तो आपने टेम्परेचर और प्रेशर को ज़रूर मेमोराइज़ करना होता है, बिकॉज वो कंडीशंस होती हैं तो वो कंपाउंड बनता है। और अगर सपोज़ ये 1 मार्क की इक्वेशन आती है या 2 मार्क में या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बनता है, तो फिर ये कंडीशंस अगर नहीं लिखी होंगी ना तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाइए बाय अप्लाइंग your own logic. The next method is we can prepare
फिनोल फ्रॉम अ सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अगेन वी हैव द स्टार्टिंग मटीरियल विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, इसको हीट करेंगे डबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड द टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज 320 डिग्रीज सेल्सियस. पहला कंपाउंड जो बनेगा दैट इज अगेन सोडियम फिनॉक्साइड, ओके, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एंड H2O. अब दोबारा इस सोडियम फिनॉक्साइड की हीटिंग होगी HCl के साथ ताकि हमारा मेन प्रोडक्ट फिनोल बन जाए और बाय प्रोडक्ट NaCl भी बन रहा होता है. इन दोनों इक्वेशंस को लर्न कीजिए, फिर जल्दी से समझने के लिए तैयार हो जाइए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल. अब फिनोल क्या है, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. सबसे पहले तो हम अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी याद करते हैं कि मीथेनॉल एंड इथेनॉल वर द स्टार्टिंग मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज और वो दोनों तो लिक्विड थे, मगर हमारे शौक के लिए फिनोल जो है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड डिलिक्विसेंट सॉलिड है. ठीक है, ये एक लिक्विड नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने के बावजूद भी ये एक सॉलिड है और वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है. और अगर हम इसे ओपन छोड़ते हैं ना एयर में तो फिर ये लिक्विड बनना शुरू हो जाता है. जैसे कि याद आया हम कुछ ऐसे जैसे मिल्क पाउडर है ओपन में छोड़ते हैं तो वो फ़ौरन मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो लिक्विफाई तो नहीं होता मगर वो मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग तो होता है. सो ये वर्ड जो डिलिक्विसेंट है इसका मतलब होता है रेडी टू फॉर्म लिक्विड. ठीक है, और ये लिक्विड कैसे बन रहा है जी, ये लिक्विड बन रहा है बाय अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. तो ये बड़ी खास बात है. दूसरी खास बात, इसकी एक अपनी फिनोलिक ऑर्डर है. ठीक है, तीसरी खास बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेल्सियस और बॉयल हो जाता है 182 डिग्री सेल्सियस. ये बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको जरा गौर से समझनी होंगी और याद करनी होंगी. अच्छा, चौथी बात क्या है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं जैसे कि सॉल्ट और शुगर हो जाती है. स्पेरिंगली का मतलब होता है वेरी लेस, ठीक है, कम डिजॉल्व होता है. और इसका जो सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर पर अगर बनाएं तो वो पिंक कलर का होता है और ये हीट करने के बाद यानी 68.5 डिग्री से ज़्यादा हीट करेंगे तो सारा का सारा डिजॉल्व भी हो जाता है. तो सबसे आखिरी पांचवी बात जो कि बहुत ख़ास है, ये पॉइजनस है और इसकी इस पॉइजनस नेचर को इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचते हैं ब्रांड्स, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, ये जर्म्स किलिंग है, यानी वो जरासीम जिससे इन्फेक्शन बनती है उनको किल करने के लिए इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कहाँ, वॉशरूम्स में और हॉस्पिटल्स में. तो अब पता चला कि हॉस्पिटल्स में से एक अजीब सी स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर जो मॉपिंग होती है और क्लीनिंग होती है वो ख़ास तौर फिनोलिक मटेरियल से की जाती है. अच्छा जी, अब आगे जल्दी से समझते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल. रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में भी हमें दो बातें खास नज़र आएंगी. अल्कोहल्स की तरह इसके कुछ रिएक्शंस में पार्ट लेता है इसका फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप और इसके कुछ रिएक्शंस में पार्ट लेती है बेंजीन रिंग. अब बेंजीन रिंग का जब रिएक्शंस याद आता है तो फौरन से माइंड में आते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. याद आया, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी जो बेंजीन रिंग के अंदर ये जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. अच्छा, दूसरा ये कि फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज लेस फेवर्ड, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इतना आसानी से रिप्लेस नहीं होता, तो इस पर कोई फौरन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके एल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह भी कोई रिएक्शंस खातिर ख्वाह नहीं आते हैं. अब हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद करेंगे, सर थोड़ी सी डिस्कशन इसकी यहाँ करते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल क्या है. फिनोल का कॉमन नेम क्या था, फिनोल का कॉमन नेम था कार्बोलिक एसिड, ठीक है ना. अब अगर ये एसिड है तो यानी ये HCl की तरह आयनाइज हो सकता है और ये डोनेट कर सकता है अपने H+ आयंस को. तो अभी रिएक्शन में आपने देखा था ना कि बनता था फिनोक्साइड आयन और फिनोल इज केपेबल ऑफ लूजिंग दिस प्रोटॉन इन द मीडियम.
सो प्रोटॉन डोनर्स एसिड कहलाते हैं. तो इस हवाले से फिनोल आयनाइजेशन पर प्रोटॉन रिलीज करता है, यानी ये एसिडिक है, मगर इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है जितने के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स हैविंग दिस COOH ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप. सो फिनोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं हैं, मगर एल्कोहल्स के हिसाब से ये खासे एसिडिक हैं. और ये इतने वीक हैं कि लिटमस पेपर को भी फौरन रेड नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देता है ना, फौरन लिटमस पेपर को रेड करता है, क्योंकि इनका पीएच जो होता है ना वाटर में डिसॉल्व होके 5 to 6 होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देते अपॉन रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स अदर एसिड्स की तरह. अच्छा, बात क्या है, पीएच इनकी कहाँ है? पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से 7 तक और 7 से 14 तक. सो एसिड जो होते हैं ना वो 0 से 7 तक मार्क हो रहे होते हैं. सो 0 से जितने करीब होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 से करीब होंगे जैसे 5 to 6 and 7 तक, ये बड़े वीक एसिड्स होते हैं. इसी वजह से इनकी ये खासियत इनको एल्कोहल से मुख्तलिफ बनाती है. अब ये क्यों एसिडिक होते हैं, कि क्या खास बात है कि अल्कोहल इतने एसिडिक नहीं है मगर फिनोल्स बड़े एसिडिक हैं? आपको याद आया कि जब बेंजीन के रिएक्शंस हम स्टडी करते थे तो हमें पता चलता था कि जो बेंजीन का जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन आता था वो डीलोकलाइज हो जाता था. तो जब फिनोल अपना फिनोक्साइड आयन बनाएगा तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसकी ऑर्थो पोजिशंस पर, लाइक एक देखें यहाँ पे आ रहा है, फिर पैरा पर, और फिर दोबारा ऑर्थो पर. सो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर डीलोकलाइज्ड हो जाता है. इस डीलोकलाइजेशन की वजह से फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से ये एक अच्छा एसिड बन के बिहेव कर रहा होता है, और ये बात एल्कोहल्स में नहीं होती, वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. सो इसका मतलब फिनोल्स की एसिडिटी एल्कोहल से ज़्यादा है जस्ट ड्यू टू देयर डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन. बेटा अब रिएक्शन में ये बातें एक एक करके आप पढ़ेंगे ना, तो फिर ये बातें सुनी सुनी सी आपको लगेंगी, मगर फिलहाल आप इनको अच्छी तरह ऑर्डर में जाके समझें. अच्छा, अब ये क्या है, ये है अगर हम इनके एसिडिक नेचर को देखें और इनको एक कतार में लगा दें तो एक डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ बन रही है एसिडिटी की. सो सबसे पहले नंबर पर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पर फिनोल जिनकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से लो है, तीसरे नंबर पर आता है वाटर, और फिर चौथे नंबर पर आता है एल्कोहल. वाटर कैसे एसिड हो गया? क्योंकि वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये आयनाइज होता है तो एच प्लस आयन रिलीज करता है. सो इसकी ये जो प्रोटॉन डोनेटिंग पावर है, इसकी वजह से वाटर भी एसिडिक होता है. आई एम लीविंग यू विद अ होप दैट यू सी ऑल द लेसन्स आर जस्ट मेड फॉर यू. आप अपने घरों पे बैठे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, टेक्स्ट बुक्स एंड टॉपिक्स को पढ़ें. सो फिर जब आप ये सारा समझ लेंगे ना, तो फिर मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके जो मार्किंग स्कीम होती है उसके हिसाब से मैं आपको हाईलाइट करूँगी. सो पढ़ते ही रहिए, मेहनत करते रहिए, और कामयाब हो जाएं, और आपकी कामयाबी में मेरा हिस्सा, मेरी खुशनसीबी होगी. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप जो समझ रहे हैं या जो नहीं समझ रहे वो मुझे फीडबैक ज़रूर किया करें. थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू.